नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। यूपी बिहार के सुप्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एक नया गाना सामने आया है जो काफी वायरल हो रहा है। इस गाने में नेहा सिंह राठौर ने धरना दे रहे पहलवानों का जिक्र करते हुए सरकार पर तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने अपने नए गाने में नए संसद भवन और संसद भवन में रखे गए सिंगोल पर भी निशाना साधा है। इस गाने को लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर पर मिडल बह गंगा धारे सिंगोल सरकार नाम के साथ शेयर किया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार सप्लाई चेन की कमी के कारण भारत में हर साल 11 से 15% अनाज नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर 2011 के जनगणना के अनुसार देश की 14.37% आबादी कुपोषण के शिकार है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण क्षमता विकसित करने की कितनी जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने कोऑपरेटिव क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण क्षमता तैयार करने का जो फैसला किया है उसे इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की मां तुझे प्रणाम योजना अंतर्गत 120 बेटियां बागा और हुसैनी बॉर्डर के लिए रवाना हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 120 बेटियों से भरी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बेटियां दादर अमृतसर एक्सप्रेस से जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान लाडली लक्ष्मी उत्सव पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है। एप्पल के आईफोन बहुत जल्द भारत में बनने जा रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि फॉक्सकॉन अप्रैल 2024 से देवनहल्ली में अपने प्रस्तावित संयंत्र में आईफोन यूनिट्स का निर्माण शुरू करेगा। राज्य सरकार प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 1 जुलाई तक कंपनी को भूमि सौंप देगी। पाटिल ने यह बात जॉर्ज चू के नेतृत्व में कंपनी से प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद कही है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे भी मौजूद थे। मेटा के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में अप्रैल के महीने में भारत में रिकॉर्ड 74 लाख से अधिक खराब खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया है कि इस उपयोगकर्ता सुरक्षा रिपोर्ट में व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई और प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की खुद की निवारक कार्रवाइयों से प्राप्त शिकायतों का विवरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के नई वर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की शिकायत की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। लोग अभी तक असम और दार्जिलिंग के चाय की चुस्की ज्यादा लेते थे, लेकिन कृषि विभाग ने दावा किया है कि जल्द ही बिहार में असम और दार्जिलिंग की तरह चाय की खेती होगी और बिहार पूरे देश में चाय के मामले में परचम लहराएगा। कृषि मंत्री सर्वजीत ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हम लोगों ने चाय की खेती पर समीक्षा बैठक की। इसमें चौथा कृषि रोड मैप के तहत बिहार में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और कटिहार में कुछ कुछ जगहों पर चाय की खेती की जा रही है। जून माह में पटना G20 समूह की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस दौरान बैठक में हिस्सा लेने आ रहे प्रतिनिधियों के उद्घाटन सत्र से एक दिन पहले आधुनिक बिहार संग्रहालय का भ्रमण करने की संभावना है। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि 22-23 जून को श्रम भागीदारी समूह की 2 दिवसीय G20 बैठक में करीब 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। दिल्ली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में एक महिला पहलवान ने भारतीय कुश्ती संघ महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महिला पहलवान ने कहा है कि उसने जिस दिन एक बड़ी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था उसी शाम WFI चीफ ने उसे अपने कमरे में बुलाकर उससे यौन शोषण संबंध बनाने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने उसके लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खरीदने का वादा किया। भारत के नए संसद भवन में बने अखंड भारत के म्यूरल यानी भित्ति चित्र को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। भित्ति चित्र में अखंड भारत का मैप दिखाया गया, जिसको लेकर नेपाल के राजनीतिक दलों में नाराजगी है। इस भित्ति चित्र में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को दिखाया गया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने कहा था कि इस भित्ति चित्र में पड़ोसी देश में प्राचीन भारतीय विचार के प्रभाव को दर्शाया गया, जो अनावश्यक और हानिकारक राजनयिक विवाद का कारण बन सकता है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के समर्थन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने लगातार दूसरे दिन कोलकाता में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान ममता बनर्जी ने खिलाड़ियों से अपील की कि उन्होंने कहा कि मैं अनुरोध करूंगी कि आप यह लड़ाई नहीं छोड़ें। पहलवान जो भी निर्णय लेंगे उसे देखते हुए हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश की सीमाओं पर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने यहाँ संघ शिक्षा वर्ग के विदाई समारोह में कहा है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को प्रयास करना चाहिए। दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने सभी शीर्ष अधिकारियों को इस महीने के शुरुआत में जारी सेवाओं से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी है। विधि विभाग ने 26 मई को सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों और विभाग के प्रमुखों को भेजे गए एक पत्र में केंद्र द्वारा सेवाओं से संबंधित जारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 का सख्त अनुपालन करने के लिए कहा है।
आगामी एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा इसे लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है। पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी के अधिकार मिले, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जैसा ने साफ कर दिया था कि टीम इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी। इस बीच अब BCCI ने टीम इंडिया के एक स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के मैच की तारीख भी सामने आ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि भारत का इतिहास इस बात का उदाहरण है कि जब जब भारत में सेनाएं कमजोर हुई हैं तब तब आक्रांताओं ने देश को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी राष्ट्र की सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि वह उस देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और एक प्रकार से उस देश की पूरी सभ्यता की सुरक्षा करती है। रामायण सर्किट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, इसके अंतर्गत सरकार देश के उन सभी स्थानों को जोड़ना चाहती है जहाँ भगवान श्री राम गए थे। रामायण सर्किट योजना में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 9 राज्यों के 15 स्थानों की पहचान की है। इस योजना के तहत इन सभी शहरों को रेल, सड़क और हवाई यात्रा के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। उज्जैन के महाकाल लोक में नंदी गेट का कलश गिर जाने की घटना ने कांग्रेस के आरोपों को और हवा दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक कदम आगे जाकर महाकाल लोक का निर्माण करने वाले ठेकेदार को गिरफ्तार करने की मांग की है। उज्जैन में आंधी तूफान के कारण महाकाल लोक की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद से ही कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। गुरुवार को जब मीडियाकर्मी महाकाल लोक का कवरेज कर रहे थे उस समय एक कलश भी गिर गया। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को तगड़ा झटका लगा है। प्रशासन ने 5 जून को उन्हें अयोध्या में रैली करने की अनुमति नहीं दी है। इसके बाद संसद ने बयान जारी कर रैली रद्द करने की घोषणा की है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी ने गुरुवार को NCP चीफ शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब अडानी ने इस तरह से पवार के आवास सिल्वर ओक में जाकर उनसे मुलाकात की। इससे पहले अडानी और पवार के बीच अप्रैल में भी मुलाकात हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है, जहां वे लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर संस्थाओं को कमजोर करने, विपक्ष को प्रताड़ित करने और फोन टैपिंग जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला, लेकिन एक मुद्दा ऐसा रहा जिस पर कांग्रेस नेता मोदी सरकार के स्टैंड से सहमत नजर आए और विदेशी धरती पर इसकी जमकर तारीफ भी की। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को राहुल गांधी ने सही बताया है। मणिपुर में पिछले महीने शुरू हुई हिंसा धीरे धीरे अब कम होती नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर के अलग अलग जगहों से लोगों ने 140 हथियारों को लौटा दिया है। शाह ने मणिपुर दौरे के दौरान हथियारों को सरेंडर करने की अपील की थी। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का मासिक कार्गो वॉल्यूम साल दर साल 19% बढ़कर मई में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अडानी समूह की कंपनी ने मई में अपने बंदरगाहों पर 36 मिलियन मिलेट्रिक टन पर कार्गो का प्रबंधन किया है। बॉलीवुड फ्लॉप की मार से उबर नहीं पा रहा है, एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही है। ऐसे में बड़े निर्माताओं ने बिग बजट फिल्मों से हाथ खींच लिया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार एक मशहूर स्टूडियो से जुड़े सूत्र बताते हैं कि 500 करोड़ रुपए की एक फिल्म पर पैसे कमाने की बजाय 50 करोड़ की 10 फिल्में या फिर 25 करोड़ की 20 फिल्में बनाना ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी जनवरी फरवरी में फिल्मों को लेकर हमारा बजट लॉक हो जाता है, ऐसे में हमारा फोकस अब मीडियम बजट के असरदार फिल्में बनाने पर रहती है। कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता ने मुस्लिम महिलाओं को बच्चा बनाने वाली फैक्ट्री का कार्टून अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर किया था। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आपत्तिजनक स्टेटस शेयर करने उसे अब काफ़ी महंगा पड़ गया है। पुलिस ने आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस डालने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। गुरुवार को Washington DC के प्रेस क्लब में सवालों के जवाब देने के दौरान राहुल ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरा। केंद्र पर हमला बोलते हुए राहुल ने भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा कि भारत में महंगाई बढ़ रही और बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ED की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है, लिहाजा वह कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने शर्त रखी कि सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, परिवार के अलावा किसी से भी बात नहीं करेंगे, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कई सदस्य पहलवानों के समर्थन में सामने आए हैं। इनमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी, दिलीप वेंगसरकर और मदन लाल समेत कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहत सिकंदर, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, सचिन कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडिया। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अक्सर नदियों से खनन के मामले देखने को मिलते हैं, बेवजह नदियों में खनन रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।